Today the chapter we are going to read is named as Mary Query. मैं आपको बता दूं मैरी क्वेरी एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है एंड दिस इज़ नॉट एन इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर में देखते हैं इमेजिनेशन से रिलेटेड स्टोरी होती है बट दिस इज़ नॉट एन इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी ये एक रियल साइंटिस्ट के ऊपर एक इनकी बायोग्राफी दी हुई है हमें इनके बारे में इस चैप्टर में समझने के लिए मिलेगा एंड यू विल बी एस्ट्रॉनिस्ट टू नो दैट वैन सी वॉज ऑनली थ्री एंड हाफ ईयर्स सी कैन रीड द बुक ऑफ द सेवन क्लास जब वो सिर्फ साढ़े तीन साल की थी तब वो सेवन इयर्स के बच्चों की या फिर सेवन क्लास तक के बच्चों की भी बुक्स को अच्छे से स्टडी कर सकती थी तो चलिए हम बिना किसी देरी को किए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सभी का एक बार वापस मेरे चैनल पर स्वागत है वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू एंड यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल मैं आरती शर्मा एक बार फिर से आपके सामने एक नया चैप्टर या फिर एक नई स्टोरी लेके the sklodowska family studied together in the evening so that the parents who were both teachers could help the children zosia, Bronya, hella and zozio with their homework. vladislaus sklodowski had a huge appetite for learning and made sure his children grew up with a respect for education. Okay. तो देखिए स्टोरी शुरू होती है हमें इंट्रोडक्शन मिलता है दैट देयर इज़ अ फैमिली नेम्ड स् क्लोडोस का इस का फैमिली का नाम है जैसे शर्मा फैमिली तिवारी फैमिली ऐसे होता है और उसमें जो पेरेंट्स है दोनों ही टीचर हैं और वो ऑलवेज़ अपने बच्चों को साथ में लेके बैठते हैं पढ़ाने के लिए जिससे कि वो उनकी हेल्प कर सकें उनके होमवर्क में उनके जो बच्चे हैं उसमें से नाम है जोसिया ब्रोनिया हेला एंड जोजियो एंड इनके फादर का नाम है व्लैडी साव स्कॉडो स्कीम और इनका बहुत ज़्यादा एपेटाइट है एपेटाइट मीन्स भूख होना ये बहुत अच्छे से ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे जितने भी हैं उनके मन में ऑलवेज एडुकेशन को लेकर रिस्पेक्ट हो और वो लर्निंग में बहुत अच्छे प्रूफ हो आगे चल के वन इवनिंग एज हर सेवन ईयर ओल्ड सिस्टर ब्रॉनस स्टम्बल्ड ओवर अ पैसेज सी हैड टू रीड अलाउड व्लैडी साव एंड ब्रॉन्सीज लाउज यंगेस्ट चाइल्ड Three and a half year old Mary, or Manya as she was called at home, picked up her old sister's book, taking up from the point where Bronya had left off. She began reading fluently, effortlessly from the textbook, completely unaware of the astonished expression of her family members. ओके okay, तो देखिए एक इवनिंग की बात यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें ये जो साइंटिस्ट है मैरी इनकी सेवन ईयर ओल्ड सिस्टर थी जिसका नाम ब्रोनिया है वो किसी पैसेज को पढ़ते समय उस पर कुछ गलती करती है सही तरीके से नहीं पढ़ती उस पैसेज को और उसके बाद यहाँ पर मदर का नाम दिया हुआ है ब्रॉनी स्लाउज यंगेस्ट चाइल्ड तो सबसे छोटी कौन थी मैरी थी और वो उस समय सिर्फ थ्री एंड हाफ ईयर्स की थी और जिसको मैरी या फिर मान्या के नाम से भी घर पर बुलाया जाता था तो वो अपनी सिस्टर की बुक को उठा लेती है और उठा कर उस पॉइंट से पढ़ना शुरू करती है जहाँ पर उसके सिस्टर ने उस जगह पर छोड़ा था पढ़ने को एंड आफ्टर दैट सी स्टार्टेड रीडिंग फ्लुएंटली एफॉर्टलेसली और उसे पढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है और ये देख कर उसके जो फादर एंड मदर है बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉनिस्ट हो जाते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं बिकॉज इट इज़ रियली थिंक ऑफ वेरी एस्टॉनिशमेंट दैट एक छोटी सी बच्ची है थ्री एंड हाफ ईयरस की सेकेंड रीड the book of 7th uh, class वैन सी लुक डप एंड सॉ दलमोस्ट हॉरीफाइड लुक ऑन द फेसिस ऑफ अर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स सी ग्रेव फ्राइट इंड एंड ब्रस्ड इंटू टीयर्स आई डिड नॉट डू दैट ऑन पर्पज सी सेट एक्सप्लेनिंग हर एक्सन इट वॉज जस्ट सो ईजी और जब वो पढ़ना रुकती है तो वो देखती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत आ, मुझे इस तरीके से देख रहे हैं एस्ट्रॉनिस्ड होकर और वो ये देख कर बहुत डर जाती है सी ऑलमोस्ट बिकम हॉरीफाइड बहुत डर जाती है और लास्ट में रोने लगती है ब्रस्ड इंटू टीयर्स आई डिड नॉट डू दैट ऑन पर्पज़ और वो बोलती है मैंने ये सब जान के नहीं किया एंड इट वॉज सो इजी बहुत ईजी था इसीलिए मैंने पढ़ लिया When Mary was born on November 7, 1867, her mother was the headmistress of one of the Warsaw's girls school adjoining their home. Mary, who was the youngest of five children, would often see her mother struggling with the work of running a big household as well as the school. During these years, the house had many guests. One of these guests was Vladislaus's brother who came to live with them when he was ill. ओके okay, देखिए यहाँ इस पैराग्राफ में दिखाया गया है दैट जब मैरीज का बर्थ uh, हुआ था उस समय नवंबर सेवन एटीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन का टाइम चल रहा था और उस समय उसकी मदर हेड uh, मिस्ट्रेस थी एक स्कूल की उस स्कूल का नाम भी दिया हुआ वॉर्सर्स गर्ल्स स्कूल और ये इनके घर से एट था कनेक्टेड था तो उसकी मदर को अपने पाँचों बच्चों को भी संभालना होता था और साथ में स्कूल के लिए भी uh, ध्यान रखना होता था रनिंग अ बिग हाउस होल्ड और साथ में घर का भी ध्यान रखना होता था तो वो ऑलवेज़ अपनी मदर को स्ट्रगल करते हुए देखती थी और उसी समय उनके घर में बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए थे उस गेस्ट में से एक उनके फादर के ब्रदर थे व्लैडी साउस ब्रदर और जिनकी तबीयत उस समय बहुत खराब थी He had tuberculosis, a disease that spread mainly through the germ infected ear when somebody who already has the disease cough or sneeze. Unfortunately, this disease afflicted Mary's mother. The disease was then incurable, managed by a series of rest and recuperation treatments in places where the climate was not so cold. As a result, Mary's mother often had to be away from her at Santorium, where only Mary's older sister, Zosia, could go with her. ओके okay. तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उनके फादर के ब्रदर को कोई बीमारी हुई थी उस बीमारी का नाम था ट्यूबर कॉलिस जिसे आज के टाइम में हम टीबी भी बोलते हैं ये उस समय बहुत ज़्यादा इसका इलाज नहीं था उस समय और ये बहुत ही सीरियस बीमारी हुआ करती थी और ये कैसे फैलती थी जर्म इन्फेक्टेड एयर ये एयर में इसके जर्म्स मिल जाते थे और अगर कोई खांसे या फिर कोई स्नेस करे तो ये किसी और को भी हो सकती थी और ऐसा ही हुआ अनफॉर्चुनेटली मैरी की मदर को भी यही बीमारी हो गई और एक्चुअली इसके ट्रीटमेंट के लिए वो प्लेस सूटेबल नहीं था बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा नॉट सो कोल्ड इतना ज़्यादा कोल्ड uh, को ठीक करने के लिए वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल नहीं था और इसीलिए इनको सेंटोरियम जाना होता था सेंटोरियम वॉट इज सेंटोरियम सैनिटोरिया मीन्स अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल फॉर सिक पीपल हु नीड रेस्ट अलॉट केयर तो ऐसे पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा रेस्ट की एंड केयर की ज़रूरत होती है उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो so, इनकी मदर भी वहीं गई हुई थी और जैसे कि ये जर्ब एयर इन्फेक्टेड डिजीज़ थी जो कि फैल सकती थी एक से दूसरे में इसी किसी को भी वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था सिर्फ जॉजिया जा सकती थी अपनी मदर के पास आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ है आपको स्टोरी समझ में आ रही है इफ़ यू आर लाइकिंग दिस स्टोरी दैन प्लीज़ subscribe

की भी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग मैरिज चाइल्डहुड पोलैंड वॉज ऑक्युपाइड बाय रसियन फोर्सेज वेन सी बिगेन स्टडी इन द प्राइवेट स्कूल ऑफ मिस सिक्रॉस का दियर वियर पीरियोडिक इंस्पेक्शन बाय रसियन इंस्पेक्टर टू सी इज द चिल्ड्रन वियर बींग टॉट रसियन ओके okay. मैरी जब छोटी थी उसके चाइल्डहुड के टाइम में पोलेंड पर रसिया का ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था इट मीन्स रसिया जो बोलेगा वो ही हुआ करता था और उस समय में उसकी प्राइवेट टीचर का नाम था मिस सिकोरस्का और जो रसियन जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन के लिए आते थे वोट इज़ पीरियोडिक इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम चेक करने के लिए आते थे कि वहाँ के बच्चों को अच्छे से रसियन लैंग्वेज सिखाई जा रही है या फिर नहीं सिखाई जा रही है बींग टॉट रसियन इट वॉज़ फॉरविडन टू टीच द चिल्ड्रन इन पॉलिस देयर ओन मदर टंग और ये वहाँ के लिए फॉरविडन था रिस्ट्रिक्टेड था कि वहाँ की बच्चे आ, आ, पोलेंट पॉलेंट लैंग्वेज में बात करें पॉलिश लैंग्वेज में बात करें जो कि उनकी मदर टंग हुआ करती थी बट द टीचर्स डिड जस्ट दैट लेकिन टीचर्स ऐसा करते थे उनको पॉलिंड लैंग्वेज पॉलिश लैंग्वेज भी सिखाया करते थे मैरिज टीचर एंटोनी टू प्लस का न्यू मैरिज फ्लॉलेस ग्रैप ऑफ एनी थिंग दैट वॉज टॉप टू हर वैन द इंस्पेक्टर्स अराइव टू चेक द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ द रसियन लैंग्वेज एंड हिस्ट्री मैरिज स्क्लोडोवस्का वॉज ऑलवेज पुट फॉरवर्ड The example to be interrogated by the inspector. तो मैरी की जो टीचर थी एंटोनी टू प्लस का आ, उनको बहुत अच्छे से पता था कि मैरी कुछ भी सीखती है उसको बहुत अच्छे से ग्रैप कर लेती है उसका अटेंशन और उसका पावर बहुत तेज़ है स्टडी के लिए और वो ऑलवेज़ जब कभी भी इंस्पेक्टर्स आते थे चेक करने के लिए कि कौन अच्छे से सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है रशियन लैंग्वेज एंड हिस्ट्री का इंस्पेक्शन लेने के लिए आते थे तब वो हमेशा एज एन एग्ज़ाम्पल मैरी को ही आगे कर दिया करती थी इंट्रोगेट करने के लिए इंस्पेक्टर्स से She spoke flawlessly, Russian, and answered all the questions put to her, but the effort sometimes proved to be too great a strain on Mary. आफ्टर ईच सच और डिल मैरी उठ विप इन द आर्म्स ऑफ मिस ट्यूपलस का हर नर्व एग्जॉस्टेड बाई द एफर्ट ऑफ कवरिंग अप फॉर द होल स्कूल तो देखो जितने भी इंस्पेक्टर्स आते थे जो चेक करने के लिए आते थे उनका बहुत अच्छे से फ्लॉलेस होकर रसियन लैंग्वेज में सारे एंसर्स को दे दिया करती थी मैरी लेकिन ये कभी कभी मेरी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बहुत ज़्यादा वरी बहुत चिंता हो जाना ऐसा कुछ बहुत दबाव में आ जाती थी बहुत टेंस्ड हो जाती थी सिम्प बलवे में बोले तो और वो अपनी टीचर के पास जाकर बहुत रोती भी थी बहुत नर्वस एग्जॉस्टेड बिकॉज वो पूरे स्कूल को कवर करती थी यू you नो know, सारे बच्चे मिलकर थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करे अलग बात होता है बट यहाँ पर वही अकेली सारा रिप्लाई देती थी और इसीलिए उसको थोड़ा सा टेंस्ड भी हो जाती थी वो After her mother and eldest sister's death, it had been Mary's sister, Bronya, who had take over the responsibility of looking after the family. And yet, Bronya managed to complete her schooling by being the topmost student of the school. तो देखिए और उनकी माँ के डेथ के बाद जो भी घर का काम होता था और जो फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी होती थी उनकी बड़ी बहन ब्रोनिया ही उठाया करती थी। लेकिन इतना काम करने के बाद इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद भी उसने अपने स्कूलिंग को कंटिन्यू करा और सिर्फ कंटिन्यू ही नहीं वो टॉप मोस्ट स्टूडेंट थी अपने स्कूल की एज हर सिस्टर मैरी फेल्ट एन इंटेंस प्रेशर टू डू सिमिलरली वेल और जैसे होता है कि घर के बड़े बच्चे अगर अच्छे हो तो छोटे बच्चे भी ऑटोमेटिक स्टडी की तरफ उनका भी एक टेंडेंसी चली आती है तो इन द सेम वे मैरी को भी ऐसा फील होता था कि वो भी बहुत अच्छा करे स्टडी में

मैरी क्वेरी की जो कि एक रियल स्टोरी है हमें मैरी क्वेरी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिला ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं अफकोर्स ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चन का क्वेरीज का रिप्लाई कर पाऊँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल